आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आरक्षण को लेकर योगी सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। अब राज्यों में दलितों और पिछड़ों के कोटे में भी कोटा होगा। अति दलित और अति पिछड़े को कोटे में भी कोटा दिया जाएगा। जल्द ही सरकार नए सिरे से बंटवारा भी करने जा रही। बताया ये जा रहा है कि आरक्षण जुड़ा हुआ प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के लिए समाज कल्याण विभाग आरक्षण को लेकर पूरा मसौदा भी तैयार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक अनुसूचित जाति के आरक्षण को दो भागों में बांटा जाएगा, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को तीन भागों 7, 9 और 11% में बांटा जाएगा। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के उन जातियों को भी आरक्षण का पूरा लाभ होगा जो अब तक इससे वंचित रही हैं। यहां बता दें आपको खासतौर पर कि सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशों को लागू करने पर योगी सरकार में सहमति भी बन चुकी है। दलितों और पिछड़ों के कोटे में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट अब जल्द ही लागू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल ही दरअसल सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था, जिसे लेकर पिछले साल दिसंबर में ही सामाजिक न्याय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि राज्य की 79 पिछड़ी जातियों को तीन हिस्सों में बांटकर आरक्षण दिया जाए, और अब सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। मसौदा तैयार हो चुका है, बहुत ही जल्द कैबिनेट में इसे पेश किया जाएगा और उसके बाद इस पर मंजूरी भी मिल जाएगी। तो कोटे में भी कोटे की तैयारी की जा रही। योगी सरकार का इसके पीछे उद्देश्य यह है कि अब सभी जो डिजर्व करते हैं, जो वाकई जिनको हक मिलना चाहिए, उनके लिए काम किया जाएगा, और इस तरीके से कोटे में कोटा डालकर अब उन लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा फायदा जो वाकई जरूरतमंद है। तो ऐसे के आरक्षण दो भागों में 10 और 11% के हिसाब से बांटे जाएंगे। वहीं अगर ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, 7, 11 और 9 इस अनुपात में तीन भागों में ओबीसी आरक्षण की कैटेगरी को बांटने की तैयारी है। अति दलित और अति पिछड़े को अब कोटे में भी कोटा दिया जाएगा। सीएम योगी ने पिछले साल गठित की थी सामाजिक न्याय समिति, यानी अभी तक जो आप एक कैटेगरी सुना करते थे कि ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी, अब इस कैटेगरी में भी और कैटेगरी बकायदा डिफाइन की जाएंगी, जिसका मकसद ये है कि वाकई उन लोगों तक फायदा पहुंचे जिनको जरूरत है। ओबीसी कोटे में ही इस तरह से 7, 11 और 9 के अनुपात से ये तीन कोटा रखा जाएगा। अति दलित अति पिछड़ा दोनों ही कोटे के अंदर इस तरीके से बांटा जाएगा। अगर एससी की बात करते हैं तो वहां पर दो जो है कोटे बनाए जाएंगे, जिसमें 10 और 11% का अनुपात रहेगा। 10 और 11% अनुपात में इसको बांटने की तैयारी है। जबकि वहीं ओबीसी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 7, 11 और 9 को तरीके से तीन भागों में इसको बांटा जाएगा। योगी सरकार ने पिछले साल ही इसकी तैयारी कर ली। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर जातिवाद हमेशा से हावी रहा है और हमेशा ही जाति के आधार पर वोटर्स को लुभाने की और सेंध मारने की कोशिश हमेशा से कोई भी पार्टी करती हुई नजर आई है। और चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करिए। खास पैनल हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है। प्रियंका राणा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो के अंदर हैं। शिवम त्यागी नेता बीजेपी हमारे साथ में हैं। एके मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार, उपासना सिंह सामाजिक कार्यकर्ता और संजय वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। पहले एक बार शुरुआत आज पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ में कर लेते हैं। संजय जी, ये जो कोटे में कोटा निर्धारित करने की सरकार की अपनी नीति है, जिस पर काम पिछले साल से लगातार चल रहा है, इसके जरिए हम राजनीतिक तौर पर क्या बदलाव देखेंगे? संजय जी, संजय वर्मा जी, यहां पर क्या कहते हैं? चलिए ठीक है, आपके पास मैं वापस आऊंगी। शिवम त्यागी लगातार बने हुए। शिवम त्यागी जी, जो ये आप लोग अब कोटे में कोटे की तैयारी करके बैठे हुए हैं, क्या मानकर चला जाए? कहीं ना कहीं विपक्षी तो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की ये भी एक साजिश है और आप लोग सेंधमारी करना चाहते हैं उनके वोट बैंक में। नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और विपक्षियों की जहां तक बात है, उनको तो हर नीति को क्रिटिसाइज करना उनकी मजबूरी है। अभी इससे पहले केंद्र की अगर बात करें तो जनरल कोटा को 10% का आरक्षण दिया गया था, क्योंकि जरूरत थी कहीं ना कहीं आरक्षण को मेंटेन करने का। आज के जमाने में बहुत एक प्रायोरिटी वाली चीज है कि जो जरूरतमंद है उसको ज्यादा ये जरूरत पहुंचे, क्योंकि बहुत जगह आरक्षण शायद ऐसी जगह भी है जहां नहीं होना चाहिए और बहुत जगह पहुंच नहीं पा रहा है। तो मेरा मानना सिर्फ इतना है कोटे में कोटा ऐसा है कि देखिए, कहीं पर उस स्लैब में 9% जरूरत है, कहीं पर 10, कहीं पर 11। तो जैसा आपने देखा कि ओबीसी में दो कोटे बनाए, एससी में दो कोटे बनाए हैं और ओबीसी में तीन, शायद आपने अभी जैसा पढ़ा। तो मेरा ख्याल है समाज कल्याण विभाग ने उस पर अपनी पूरी तैयारी के बाद ही ये फैसला जो है आगे बढ़ाया होगा,
और पूरा एनालिसिस करने के बाद कि समाज में क्या चीजों की जरूरत है, कहाँ कोटे की जरूरत है, कहाँ कम जरूरत है, कहाँ ज्यादा जरूरत है, उन सिफारिशों के बाद ही मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी ने इसको जो है आगे बढ़ाया होगा। लेकिन काबिले तारीफ ये कदम है, कोई इसको राजनीतिक चश्मे से देखे या कैसे भी, लेकिन ये जन जन को फायदा पहुंचाने वाला एक कदम है। एके मिश्रा जी, जन जन को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि आप तो इतना तजुर्बा रखते हैं और आपने अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति को इतने करीब से देखा है, योगी सरकार के इस फैसले का लाभ किस तरीके से लोगों तक पहुंचेगा? देखिए, दो प्रस्पेक्टिव से देखा जाए, एक सवाल और जोड़िए, जनता को जो लाभ पहुंचेगा उसके बाद खुद बीजेपी को, मैं इस चीज को बार बार बोलता हूं, सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और ये उनकी राजनीतिक रणनीति होती है, पहले जनता के परिप्रेक्ष्य से देखें। देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ रिजर्वेशन, हर आर्टिकल हर धारा में चेंज हुआ है, हर सरकार ने कोशिश ये की है कि डीपर पेनेट्रेशन ऑफ सोसाइटी ये टारगेट रहना चाहिए। जिन लोगों को अभी जो आपने बोला कोटे में कोटा, तो कोटे में कोटा का मतलब रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यहां ये है, फायदे के हिसाब से जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल चुका था उसके बाद कुछ ऐसे लोग रह गए थे माइक्रो मैनेजमेंट या डीपर पेनेट्रेशन के लिए जिनके पास ये सुविधाएं पहुंच नहीं पाती थी, तो इसीलिए उनको जो है हाईलाइट किया गया है कोटे में कोटा देने के लिए, यानी मल्टीलेयर पेनेट्रेशन अभी शुरू हो गया है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए, सारी चीजों में जो है समय के हिसाब से बदलाव हुआ है, जितने कानून है हर चीज है, तो यहाँ पे भी मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फेवर करूंगा कि जो लोग एकदम अंत में वंचित रह गए, यानी जो कि एकदम हाशिए पे थे, तो कोटे में कोटा डीपर पेनेट्रेशन का एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल है। अब दूसरी चीज और आप देख लीजिए, फायदा राजनीति को कैसे होगा, इलेक्शंस भी कई जगह होने वाले हैं, यूपी का भी होने वाला है। देखिए, होता क्या है, ये वोट बैंक का भी होता है, कोटे में कोटा का मतलब वोट बैंक कोटे का है, कोटे का वोट बैंक किसका है, मायावती जी या दूसरी पार्टियों का, कांग्रेस का रहा होगा, तो 2-4% भी अगर वोट बैंक में सेध लगानी है, मैं बार बार बोलता हूं, आप सरकार में रहते हैं तो बहुत ताकतवर रहते हैं, आप चुनाव हार जाते हैं तो बहुत कमजोर हो जाते हैं, वोटर को, वोट बैंक को, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा होती है सरकारी योजनाओं के तहत, ये अच्छी चीज है, मैं इसके अच्छे पॉइंट को देखता हूं। आप कैसे भी करके किसी का जीवन स्तर सुधारिए, अब उसका बाई प्रोडक्ट है कि इनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा, वो नेचुरल बेनिफिट है, वो एक बेनिफिट तो भाई अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीज है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं बाई डिफॉल्ट बेनिफिट तो मिलेगा ही सबको, उसका फायदा मिलेगा भी, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस हो गया कि वो तो घर में भी देखेगा, बाई डिफॉल्ट बेनिफिट मिलेगा भाई, अगर आप प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, हमारे भी तो घर में ये चीज खाई जाती है, कम से कम इसी बहाने तो कर लेंगे। जो पेनिट्रेशन की जो बात आप कह रहे हैं, ये कितना और किस हद तक पेनिट्रेट हो पाएंगे लोग इससे? मैं समझता हूँ, देखिए क्या है, जहाँ बात कोटे में कोटा चलती है, तो अभी तक बात केवल कोटे की चल रही थी, कोटे की चल रही थी मतलब ये था कि ओबीसी वगैरह, मतलब आप बेसिकली आप रिफाइन वे में डिफाइन करेंगे कि भैया इनका इतना कोटा है और इस कास्ट का इतना कोटा है, पर्टिकुलरली हर कास्ट को उसका हक मिल जाएगा। देखिए, जो अभी तक मिक्स हो रखा था, आप इसको ऐसे देखिए, अब उत्तराखंड को अलग क्यों किया गया यूपी से, इसलिए क्योंकि स्टेट की जरूरत थी विशेष फोकस हो सके, तो जब किसी चीज को डिवाइड किया जाता है तो बेटर मैनेजमेंट के लिए, बेटर इफेक्टिविटी के लिए उसको डिवाइड किया जाता है। अगर ये ठीक से इंप्लीमेंट कर देंगे तो वो चीज जो लोग पीछे रह गए थे, कोटा होते हुए भी उनको फायदा नहीं मिल पा रहा था, उनका जीवन स्तर नहीं उठ पा रहा था, तो उनके लिए एक अलग से प्रोविजन बन गया ना उन लोगों के लिए, उतनी चीज तो कोटे में कोटे जो है कोटा हो गया, तो यानी उतना चीज उनके लिए सेफ हो गया, उसको कोई और पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा, तो इस तरीके से फायदा मिलेगा कि नहीं, ये एक्सक्लूसिव राइट हो गया उन लोगों के लिए, उस कोटे में कोटे के लिए, यानी उनके सिवा कोई और नहीं जाएगा, तो ऐसे फायदा तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा उन लोगों को जो एकदम से वंचित रह गए थे। और गवर्नमेंट की हर योजना में, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, आप देखिए यही होता है, पेनेट्रेशन विद इन पेनेट्रेशन, लेयर ओवर लेयर, हर सत्र देखिए, पहले विकास होता है मेट्रो सिटी का, फिर डिस्ट्रिक्ट का, फिर तहसील का, फिर गांव तक विकास की पहुंचाई जाती है, जो कि सबसे अंतिम छोर पे होते हैं, तो ये उसी का एग्जांपल है। ठीक है उपासना जी, आप बताइए, आप इसको किस हद तक फायदेमंद मानकर चल रही हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि सामाजिक स्तर पर कितना और किस हद तक पेनिट्रेशन होगा? सामाजिक स्तर पर तो ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि अंत्योदय की तरफ ये एक कदम है, जिसमें कि कहा जाता है कि जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति तक फायदा पहुंचना चाहिए, उसका उदय होना चाहिए, तो अंत्योदय की तरफ ये एक स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि हम देख रहे हैं इतने सालों से, जब से आरक्षण लागू हुआ है, तब से कुछ ही जातियों के, कुछ विशेष जातियों के लोग ही घूम घूम कर उसका फायदा उठा रहे हैं। तो अब जो इन्होंने ये किया है कि जो वंचित जातियां हैं, जो जिनका कभी कोई उद्धार हो ही नहीं पा रहा है, अगर उनकी तरफ सरकार का ध्यान जा रहा है, तो योगी जी की इसमें बहुत अच्छी बात है। और रही बात ये कि वो उनको वोट में कुछ फायदा होगा या इलेक्शन में कुछ फायदा होगा,
जनता उनको वोट देगी, तो मेरा तो मानना वो तो ये जो अच्छा काम करेगा जनता उसको वोट देगी ही, वो चाहे किसी भी पार्टी के साथ में हो। ये देखिए ये मुश्किल है क्योंकि क्योंकि वीपी सिंह ने आरक्षण मंडल लागू किया था, उनको उसका कोई फायदा नहीं मिला, उसका फायदा दूसरों को मिला, तो प्रियंका राणा जी ये बहुत अच्छा कदम है। ठीक है उपासना जी, मैं आती हूँ। प्रियंका राणा जी, अब तक भी हमारे पास में रिजर्वेशन था, लेकिन रिजर्वेशन में सिर्फ वही लोग फायदा उठा पा रहे थे जो पावरफुल हैं। आम तौर पर यही कहा जाता है कि उन लोगों तक फायदा नहीं पहुंच पा रहा जो कि डिजर्व करते हैं। अब ऐसे में कोटे में कोटा रख के आप कितनी उम्मीद लगाए बैठी हैं कि इससे समाज को और सामाजिक स्तर पर जिन लोगों को वाकई जरूरत है इस कोटे में कोटे की भी, उन तक ये फायदा पहुंचेगा? देखिए पूजा, आप अगर देखें पहले आरक्षण किया गया तब की परिस्थितियां अलग होंगी, लेकिन अभी आप देखें तो समय बदल गया है। काफी लोग ऐसे हैं जो इस आरक्षण का फायदा उठा चुके हैं और उनकी ही पीढ़ियां उसी को फायदा उठाते जा रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक एक फैमिली में दो दो लोग सरकारी नौकरी पे हैं, उनके बच्चों को भी फिर वो फैसिलिटी मिल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता जा रहा है। लेकिन जो सही मायने में इसकी जरूरत है जिन लोगों को, उनको वो वंचित रह जाते हैं और उनको मिलता नहीं है। जो देखिए प्रकृति का नियम है बदलाव, और अगर समय के रहते हुए सरकार बदलाव करती है कुछ अच्छे चीजों के लिए, लोगों तक कुछ चीजें पहुंचाना चाह रही है, तो उसको होना चाहिए। जैसे 370 में हुआ, सरकार ने स्टेप लिया, वो कर रहे हैं, कश्मीर के लिए अच्छा हो रहा है, तो आरक्षण में भी होना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से जो वीकर सेक्शन है, उसको अगर मदद मिलती है तो बहुत अच्छा कदम है और इसके सभी लोगों को फायदा होगा। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगी पॉलिटिकल अगर फायदे की आप बात देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि पॉलिटिकल फायदा होगा, इसकी आपकी गारंटी नहीं है। अगर सरकार ले रही है तो ये अपने बलबूते पर ले रही है, रिस्क ले रही है, क्योंकि काफी लोग ऐसे भी होंगे जो नाराज होंगे, जिनको ऐसी फैसिलिटी मिल रही है, ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं, वो उनके हाथ से आप छीनेंगे तो आप वो भी नाराज होंगे, तो वोट बैंक उधर भी शिफ्ट हो सकता है। तो ये नहीं कह सकते कि आप सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए काम कर रही है, सरकार अच्छी नीतियां ला रही है, अच्छा काम कर रही है, वीकर सेक्शन को हेल्प करने की सोच रही है, तो बहुत अच्छा कदम है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और सरकार को इसमें समर्थन देना चाहिए। शिवम त्यागी कुछ कहना चाहते बताएं? नहीं कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए तो कुछ काम नहीं करती, लेकिन जरूरी सिर्फ इतना है। अगर आप देखें 60s 50s के एंड में, जब ये 60s के शुरुआत में जब ये आरक्षण लागू हुआ है इस देश में, वहाँ से लेकर आज तक अगर हम SC ST OBC की हालात देखें तो आज भी बहुत सारे इस देश में ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आरक्षण तो है और इतने बड़े स्तर पर आरक्षण है, बावजूद उसके उन तक वो फैसिलिटीज या उन पर वो नौकरियां या वो चीजें आज भी नहीं है। तो योगी सरकार का सिर्फ इतना सा मानना है कि इस स्टेट में हर किसी के पास रोजगार हो, हर जरूरतों के लिए उनके पास पूरी सारी चीजें सुविधाएं हो, और उसमें अगर एक कदम बढ़ाकर हमें आगे कुछ करना होता है तो हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। वही केंद्र सरकार अभी तक करती आई है 6 साल के टेन्योर में, और आगे भी इसको करना जारी रखेंगे। एके मिश्रा जी, हमने देखा था जब चुनावों से पहले जनरल कैटेगरी को भी रिजर्वेशन देने का फैसला लिया गया, उसमें कुछ तबके ऐसे भी थे जिनकी नाराजगी सामने आई। ये दीपाराव ने बड़े अच्छी एक वैलिड पॉइंट उठाया यहाँ पर कि अभी भी जब आप कोटे में कोटा देंगे, जब आप बंटवारा करेंगे, तो जिनका कुछ हाथ से निकल रहा होगा जाहिर सी बात है उनको तो तकलीफ होगी ही। नहीं देखिए, ये बात हाथ से निकलने की नहीं है, मैं बोलता हूँ अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। इतने दिन तक रहा तो आपने अपने हाथ में क्यों नहीं लिया? और हाथ में रहने का मतलब है कि आपने पेटेंट करवा लिया है क्या कि वो आपके ही हाथ में रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके हाथ में रहे? ये इट इज एन अपॉर्चुनिटी, ऑनगोइंग प्रोसीजर है। आपको हाथ में मिला था, आपने डेवलप किया, आपके लड़कों ने डेवलप किया, और ये मानवता का भी बेस है कि ठीक है भाई, जो लोग बहुत वंचित रह गए हैं, जिनके यहाँ अखबार नहीं पहुंचता, जिनको ये नहीं पता चलता कि हमारे लिए कितना रिजर्वेशन है, कौन सी वैकेंसी निकली है प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो मैंने आपको बोला डीपर पेनेट्रेशन की ये एक कोशिश है, ये एक सार्थक पहल है। अनडाउटली अगर देखा जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बाई डिफॉल्ट पॉलिटिकल माइलेज सारी पार्टियां लेती है। भाई मायावती जी ने या किसी ने भी अगर आरक्षण लागू किया अपने फायदे के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, वो ये उनकी भी एक रणनीति, तो ये एक दूसरी चीज है। लेकिन किसी भी एक्शन से अगर समाज के किसी भी तबके का भला होता है लार्जर लेवल पे, और एकदम से जो छूट गए थे, जिनको कहीं कोई नहीं पूछता था, कहीं से कोई फायदा नहीं पहुंचता था। आप देखिए गवर्नमेंट होता है, हॉस्पिटल होता है, पूरा हॉस्पिटल, फिर उसमें डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए। तो सरकार की ये जो मशीनरी है, जो सिद्धांत है, जो नियम है, जो आरक्षण का फायदा है, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा और एकदम से दूर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को वो टच कर सके, वो उठा सके, इसका ये पब्लिक के लिए मास जो है बेनिफिट है। पॉलिटिकल बेनिफिट ये होगा कि उतने परसेंट लोगों को ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेंगे जो कभी इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे,
वो उनके वोट बैंक में शिफ्ट होंगे, ये मानने वाली बात है और ये पॉजिटिव चीज मैं इसको मानता हूँ भाई। जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी अपना हल्ला उड़ाती हैं, तो आप भी हल्ला उड़ाइए, जिससे जो हो सकता है करिए, अब बेनिफिट तो उनको मिलेगा भाई। मतलब आपके लिहाज से अभी जो सरकार जिस वे में आगे बढ़ रही है वो एकदम करेक्ट वे है, और इस तरीके के जो अनुपात में बांटने की बात की जा रही है, 7-9-11 जो अनुपात ओबीसी में बांटने की बात की जा रही है, और वहीं अगर शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं आप दो कैटेगरी में बांटेंगे, कोटे में कोटा करेंगे, ये डिवीजन आपके हिसाब से मतलब ठीक है? ये बिल्कुल सही है। आप देखिए नेचर का, आप अपने बॉडी को लीजिए, अगर मेडिकल साइंस के जो अपने आप में एक बेस्ट एग्जांपल है, पूरा शरीर होता है, शरीर के बाद और सिस्टम्स होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद आपके ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स के बाद सिमिलर काइंड के टिश्यूज होते हैं, फिर सेल होता है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट का भी फंक्शन होता है, कोई रूल हो, कोई कुछ हो, कहीं पे भी हो, हर खंड में देखिए, आप संविधान की कोई धारा पढ़िए, अनुच्छेद ये, उसमें क्लॉज ए बी सी क ख करके होते हैं कि नहीं होते हैं? वो ज्यादा क्लैरिटी के लिए होते हैं, ज्यादा एफिशिएंसी के लिए होते हैं। जितना आप माइक्रो लेवल पे इसको डिवाइड करेंगे उतना ही वो क्लियर होगा, उतना ही वो इफेक्टिव होगा। मास बेनिफिट, सोशल सोसाइटी के बेनिफिट के लिए देखा जाए तो वहां पे कॉन्सेप्ट ये है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वेलकम करता हूं, मैं बोलता हूं कि यार ये होनी चाहिए और हर चीज में होनी चाहिए, बहुत सारी चीजों में है। आप देखिए संजय वर्मा जी, आपका पक्ष कोई? देखिए डीपर पेनिट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है, नीचे तक लोगों को कोटा मिल पाए, नीचे तक लोगों को रिजर्वेशन मिल जाए। अभी भी क्या होता है कि ऊपर ऊपर रिजर्वेशन मिल जाते हैं, एक रिजर्वेशन के बाद एक फैमिली में दूसरी रिजर्वेशन, फाइनेंशियली रिजर्वेशन मिलती है, नीचे लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलती है। अगर नीचे तक रिजर्वेशन जाएगी तो ये बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। शिवम त्यागी जी, ये जो डीपर पेनिट्रेशन की बात की जा रही है कि भाई एक पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर आप कोटे में इस तरह से कोटे का डिवाइड भी डिवीजन भी करते हैं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी तो तब भी चलता रहेगा ना। मैं चाहती हूँ कि आप जरा खुद से इसको थोड़ा स्पेसिफाई करें, क्योंकि शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन सबको हो रहा है। मान लीजिए मैं करूँ, देखिए होगा ऐसा नहीं है, कहने का मतलब ये है जिनको अभी तक नहीं मिला, अगर उनकी लाइफ स्टाइल को गवर्नमेंट टच कर पाती है, 5-10 साल के बाद उसको बदला भी जा सकता है, कोई और शोषित वंचित समाज का तबका होगा उनको दिया जा सकता है, या सबकी लाइफ स्टाइल अगर बढ़ गई है तो वहां पे उसको खत्म भी किया जा सकता है, इसके आधार को बदला जा सकता है कि सोशल जस्टिस की जगह इसको इकोनॉमिक आधार पे कर दिया जाए। बदलाव के चांसेस हमेशा रहते हैं, पूरे संविधान में जब से बना है कितने सारे बदलाव हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे धारा 370 हो या आज कोई अगर प्रेजेंट डे में एग्जिट कर रहा है वो तो रिजर्वेशन में अभी भी क्रीमी लेयर है भाई, क्रीमी लेयर के लोग जाकर इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीजें चल रही है मतलब किसी भी तरीके से गलत तरीके से, क्रीमी लेयर को ही तो हटाने की ये कोशिश हो रही है। अभी तक रिजर्वेशन का फायदा यही था, जो क्रीमी लेयर था उन्हीं को फायदा मिल रहा था, जब तक आप उसको डिवाइड नहीं करेंगे। देखिए इसमें हुआ क्या, क्रीमी लेयर ऑटोमेटिकली सेपरेट हो गया, उसके बाद फायदा उनके नीचे के लोगों को मिलना शुरू हो गया। डिवाइड करते 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 यूनिट बेस के कॉन्सेप्ट पे जब आप इसको लेके जाएंगे ताकि बिल्कुल भी डेविएशन ना हो और वाकई में जो लोग जरूरतमंद है उन्हीं को मिले, ऐसा नहीं है कि जिनको जरूरत नहीं है उनको भी मिला जा रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी मिला जा रहा है। जब भी आप डिवीजन करते हैं किसी भी चीज का तो वो मोर एंड मोर क्लियर होती है सिंगल यूनिट लेवल तक, तो ये उसी चीज का एक प्रयास है, ज्यादा क्लैरिटी रहेगी, कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो केवल वही लोग अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली उनको फायदा मिलेगा जो वंचित रह गए अभी तक। पूजा जी मैं एक इसमें पूछना चाहूंगी, अभी डिस्कशन चल रहा है, अभी कोटे में कोटा हो रहा है, पर मेरे हिसाब से आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, तो मेरे ख्याल से सरकार को इसके बारे में भी सुनना चाहिए कि सिर्फ एससी एसटी में ही क्यों, बाकी जो जातियां हैं उनमें क्यों नहीं, क्योंकि आर्थिक पिछड़ा वर्ग तो उसमें भी बहुत है। आप किसी भी जाति में देख लीजिए, आप फाइनेंशियली वीक लोग बहुत हैं जिनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है और वो इसके अभाव में बहुत ज्यादा पीछे होते चले जा रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि सरकार को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, और सिर्फ जो पहले से चलता आ रहा है, जब आप बदलाव ही कर रहे हैं तो फिर उसको ठीक से काफी इस पे विस्तार से डिस्कशन करके और उस पे आपके अकॉर्डिंगली जो हमारे यहाँ पे आरक्षण की प्रक्रिया है इसको और थोड़ा रिफाइन करने की जरूरत है, इसको लाने की जरूरत है ताकि इकोनॉमिकल जो लोग वाकई वीक है। देखिए जो ये आरक्षण की जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी वो यही थी कि आप आर्थिक तौर पर ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों को स्ट्रांग पोजीशन में लेकर आए जो बहुत ज्यादा नीचे तबके में पहले तक लगातार लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। जब आरक्षण मिला था उस टाइम पे एससी एसटी की स्थिति बहुत खराब थी, आप देखिए छुआछूत की जिस तरह से बीमारी फैली हुई थी, लोग खाना भी नहीं बनाने देते थे, आपको पानी भी नहीं लेने देते थे, उनको एक इक्वालिटी लेवल पे लाने के लिए किया गया, चलो ठीक है वहां तक ठीक था, लेकिन अब वो स्थिति बदल चुकी है, अब काफी चीजें चेंज हो चुके हैं, अब चेंजेस के बाद अब हमारे समाज को चाहिए जाति के आधार पर आरक्षण ही खत्म हो जाना चाहिए।
हाथ से आर्थिक आधार पर इसे आरक्षण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए एक चीज बड़ी साफ है, अगर आपने जनरल कैटेगरी के लिए जो 10% का रिजर्वेशन है जो केंद्र सरकार ने अभी दिया है, तो मेरी बहन ने शायद वो अगर थोड़ा देखा है तो आई एम श्योर वो इस चीज को समझेंगी। वहां पर क्या हो रहा है कि 10 लाख से ऊपर जो भी फैमिली कमाती है उसको 10% का रिजर्वेशन नहीं है। सो अभी इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो ये है कि जाति चाहे कोई भी हो, तबका चाहे कोई भी हो, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, उनको एक लेवल पर लाया जाए। जब एक समान लेवल पर सभी लोग होंगे, सभी परिवार होंगे, तो हम इस बारे में बहस जरूर कर सकते हैं कि ये रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, लेकिन आज की ये जरूरत है। आप सोचिए 70-72 सालों से लगातार आरक्षण मिलने के बावजूद भी आज भी एससी एसटी और ओबीसी में ऐसे परिवार हैं जिन तक आरक्षण पहुंचा ही नहीं, तो किस बेसिस पर हम उसको हटाने की या वो करने की। मेरा मानना है इसको रिफाइन करके बेहतर तरह से इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। मैं एक बार फिनिश कर लेता हूं फिर आप बोलिएगा। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि सबसे पहले इसको रिफाइन करके कोई भी जाति हो चाहे जाति में जाति हो वहां तक वो आरक्षण पहुंचे, उसके बाद जब ओवर द पीरियड ऑफ 5 साल 10 साल 15 साल उसके बाद जब इस देश की सरकार को लगेगा कि हाँ पूरी हो चुकी है, तो उसके बाद इस बारे में भी एक डिबेट हो सकती है। कैटेगरी कैटेगरी अभी भी है, कैटेगरी में कैटेगराइज आप लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी भी मैं वही आपसे पूछी थी पहले भी कि ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा। देखिए अभी भी तो कैटेगरी में वही लोग जो पावरफुल हैं या फिर बहुत ही रेयरली रेयर केसेस में ऐसा हो रहा था, अगर आप उसको कैटेगराइज कर देंगे तो कैसे फायदा। मैं मानता हूं कुछ जगह आरक्षण है जहां शायद जरूरत नहीं है या जरूरत से ज्यादा है, लेकिन आप आज वो लोगों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। इस देश में हर चीज की पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आखिरी पंक्ति तक पहुंचना चाहिए कोई भी विकास या कोई भी योजना, पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक जानी चाहिए। आरक्षण में वो तो आपकी कोटा में कोटा भी कोटा में कोटा भी सिर्फ यही है कि मैडम आप बोल लीजिएगा, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका जब आप बोल रहे थे मैंने आपको परेशान नहीं किया ना। एसटी में ही देखिए मैं सिर्फ आपको इतना देखे, ठीक है, अगर आप इसको बहस में लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से लीजिए। मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि देखिए अगर यहाँ पर सब कैटेगरीज बनाई जा रही है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जरूरत है वक्त की। आज हमारे यहाँ जो वीकर सेक्शन है जिसको शायद उतना पता भी नहीं कि एससी एसटी में होता है क्यों, आपने जनरल में देखा नहीं कोटा 70 साल में आज तक किसी और ने दिया, मोदी सरकार ने दिया ना, अभी तो आप ये बताइए क्रीमी लेयर क्यों नहीं है। देखिए मैं सिर्फ क्रीमी लेयर का भी क्रीमी लेयर, देखिए हर जगह क्रीमी लेयर है, लेकिन इस देश की सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जो गरीब है हद से ज्यादा जिसको 70 सालों तक भी इस चीज का फायदा तो नहीं पहुंचा है, बेसिस में करें। आप जब गरीबी को पैरामीटर बना रहे हैं तो इकोनॉमिक बेसिस हो गया, हुआ ना अच्छा हुआ ना, अरे हुआ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया 10% दिया, 10% दिया कि नहीं दिया, 10% दिया कि नहीं दिया, आज तक मिला ए के मिश्रा जी आपको मिश्रा जी है ना, आपको आज तक मिला था क्या, आज तक आपको मिला था क्या? अरे सर हमने कर दिया, आपको तो मिला था कि नहीं? अरे पॉइंट पे बात करिए, मिला था कि नहीं? मैं क्या कहता हूँ सरकार की सबसे पहली सरकार की सबसे पहले आपके लिए 50% हो या 10% हो, आप अपने परिवार से सफल हो सकते हैं, लेकिन इस देश में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत है। मिश्रा तो हमारे प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है सरकार में, लेकिन सरकार को जहां पर भी लगेगा, मैं तो किसी भी सरकार को जहां पर भी लगेगा कि आरक्षण देना चाहिए या फिर कैटेगरी छोटा सा ब्रेक सरकार ने कोटे में कोटे की तैयारी कर ली है, लेकिन कई सवाल अब भी उठाए जा रहे हैं। पूछा सवाल ये जा रहा है कि किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि भाई आपने कोटे में कोटा किया सुनिश्चित, लेकिन इस कोटे में कोटा करने के बाद क्या वाकई उन्हीं डिजर्विंग लोगों को फायदा पहुंचेगा ही, एक पहलू ये भी है। लेकिन हाँ इसकी तारीफ भी हो रही है कि ठीक है जिस तरह से यूनिट डिविजन किया जा रहा है इससे कम से कम लोगों तक फायदा पहुंचेगा, एटलीस्ट उन लोगों तक जो डिजर्विंग है। कई पहलू निकल कर आ रहे, चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं बड़ी गर्मजोशी के साथ में। बहस दरअसल चल रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, और शिवम त्यागी और ए के मिश्रा जी के अपने तर्क थे। सर एके मिश्रा जी, नहीं सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सरकार की तरफ वो बोल रहा हूँ कि भाई देखिए अगर सवाल जो जिस चीज पे डिबेट चल रहा था तो क्यों ना सारे रिजर्वेशन को हटा के जब सारी चीज गरीबी पे आके ही फंसती है कि गरीब लोगों को ही हमें उन्नत बनाना है, यानी सेंट्रल पैरामीटर गरीबी है,
तो ये जाति सिस्टम वगैरह हटा करके इसको इकोनॉमिक पैरामीटर पे कर दे, जो गरीब है 100% जो है रिजर्वेशन जितना भी देना हो उसी पैरामीटर पे दे। ये कब होगा, ये एजेंडा कब आएगा, और अभी क्यों नहीं आएगा, साल दो साल में क्या हिम्मत नहीं है गवर्नमेंट के पास कि ये डिक्लेयर कर दे? देखिए, हिम्मत की जहां तक बात है तो इस सरकार में इतनी हिम्मत है, इतनी तो आपको 70 साल में इस देश में देखने में नहीं मिली, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे मत ललकार लीजिए, बिल्कुल ललकारने की बात नहीं है। भारत भूमि जीरो से खाली नहीं है सर, इतिहास गिनाना शुरू करूंगा। आप ही ने नहीं पढ़ा, सर आप ही के मॉडल का इतिहास नहीं है। सुन लीजिए जरा, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ, इस देश में गरीबों का, पिछड़ों का एक इतिहास रहा है, जिस तरह से उनका दमन हुआ है इस देश की जनता जानती है, सरकारें जानती हैं। उसी बेसिस पर इस देश में आरक्षण को लागू किया गया। लागू करने के बाद जिस समय पर जैसी जैसी जरूरतें रही, आपने बोला गरीबों का, अब सुन लीजिए, गरीबों में तो सब आते हैं ना। अब सुन लीजिए जरा, अब सुन लीजिए, तो उन सारे गरीबों का सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा। उसके बाद अगर आगे वहां पर लगातार चेंजेस उन स्लैब्स में हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। जहां तक ये आरक्षण में आरक्षण की बात है, तो इसका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि इतने बड़े टाइम के बाद भी अगर कुछ लोग हैं जिन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंची जहां पहुंचनी चाहिए थी, तो ये उनके लिए है। बात इकोनॉमिक बेसिस पर करी मिश्रा जी ने, तो उसमें देश है, सरकार ने देखा कि अगर जनरल को भी चाहिए आरक्षण तो दिया गया है। पूरे देश में लागू कर दीजिए ना, केवल यूपी में क्यों, पूरे देश में लागू, पूरे देश में हुआ 10% आरक्षण, आपने देखा नहीं सर? आरक्षण में आरक्षण हुआ ना, कोटे में कोटे की बात करिए, सेंटर और स्टेट का, देखिए ना, सेंटर और स्टेट का अलग अलग एजेंडा होता है। अगर केंद्र, अभी चुनाव है यूपी में, होने वाला है, कब है, कब है, अभी कब है, 2024 चुनाव में है ना, कब है चुनाव, तो तैयारी कब है चुनाव सर, आपके लिए हमेशा ही चुनाव है। अरे 2000 आपका हमेशा ही चुनाव, 2022 अभी कहते हो चुनाव की वजह से है, अभी कह रहे हो अभी हमेशा ही चुनाव होता है। अच्छा, आपको 2022 में चुनाव है और उससे पहले 10 स्टेट्स में चुनाव है। और सुनिए, 2022 देखिए, चुनाव के लिए हम काम नहीं करते, 370 हटाया ना, अभी चुनाव से पहले हटाया क्या? अगर चुनावी जुमला होता तो चुनाव से पहले हटाते, बाद में हटाया, 3 तलाक चुनाव के बाद हटाया ना। ये सरकार तो चुनाव के लिए, ये सरकार चुनाव के लिए कोई काम नहीं करती और नहीं करेगी। अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार में 3 साल बाद चुनाव है, लेकिन हमारा एजेंडा साफ है, हम एक मॉडल बनाना चाहते हैं देश की और प्रदेश की जनता के लिए, और वो बनाएंगे। आरक्षण को हटा के आर्थिक आधार क्या दीजिए, वो आपके सबमिशन में नहीं चाहिए, इसलिए इस चीज में पहले ही कमीशन लगा हुआ है, वो नहीं होगा, सरकार को लगेगा वो करेंगे, जो फायदा जिस वोट बैंक का भी फायदा जिसे मिलेगा वो करेंगे। एक सेकंड शिवम त्यागी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कैटेगराइज करेंगे, आप कैटेगराइज करेंगे ऑब्वियसली कास्ट वाइज कैटेगराइज करेंगे, ओबीसी में जो अलग 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 कास्ट है, हर कास्ट का अपना 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 एक परसेंट हो जाएगा, राइट? यानी जिसके पास जितना ज्यादा परसेंट, कहीं ना कहीं उसको लुभाने की कोशिश की जाएगी कि नहीं की जाएगी? ये लुभाना नहीं, नहीं जब भी देखिए सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, जब हम बात कर रहे हैं ओबीसी में अगर 10 कास्ट है, उन 10 कास्ट में अगर सबसे ज्यादा किसी को दिया जा रहा है, तो प्लानिंग कमीशन का एजेंडा ये है, वहां सबसे ज्यादा दिया जा रहा है जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज जब भी कोई स्टेप उठाती है तो यही सवाल उठते हैं, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। अभी इलेक्शन है ना, पॉलिटिकल पार्टीज जब भी सवाल उठाती है, आपका काम सवाल उठाना, मैं कहता हूं उठाना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए सवाल उठाना बिल्कुल सही है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है क्या? अगर ये हमें करना होता तो हम राजस्थान में करते हैं, ये हमें करना होता हम दिल्ली में करते हैं, ये हमें करना होता हम कहीं और करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव नहीं है। आपको बता रहा हूं राजस्थान में क्यों नहीं किया आपने, परिवर्तन कर लीजिए ना, उसको सही फॉर्म में कीजिए। अब आपके हिसाब से सही फॉर्म क्या है, इस हिसाब से इस देश में 132 करोड़ आदमी है, उनके हिसाब से नहीं हो सकता, सरकार जिस हिसाब से उसको क्या बोल रहे हैं, जो लाने नारी शक्ति है, सरकार नारी शक्ति है, कोई पार्टी मीटिंग नहीं चल रही, तो मेरा मानना है आपसे बड़े जुमलेबाज तो हम हैं नहीं, आपसे बड़े जुमलेबाज हम हैं नहीं, ये मान लिया, आपसे बड़े जुमलेबाज हम नहीं, आप
देखिए, कोई भी बदलाव एकदम से नहीं आता है समाज में, और कोई भी फैसला सही है या गलत वो आने वाला समय बताता है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा फैसला है और समाज में समानता का काम अवश्य करेगा, और ये अंत्योदय की तरफ जो एक कदम है योगी जी का, बहुत अच्छा कदम है। अंत्योदय योजना पहले से चल रही है और अभी एक और अंत्योदय की ओर आगे बढ़ रहे उपासना जी, ये समानता किस तरह से आएगी? आप क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के आप रहती है, इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ, बताइए। आप प्रतिनिधि अब कहाँ है प्रतिनिधि? किसने बोला मैं चुनाव में लड़ना ही प्रतिनिधि तो नहीं होता है? या तो आप बोल दीजिए कि जनता के बारे में केवल आप सोचते हैं, आपका फट जाएगा पानी पीने के बारे में। आपको इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस देश लाइव टीवी पे जनता की बात को नकारा जा रहा है, जनता बैठी है, जनता की बात को नकारा जा रहा है। जुमलेबाजी हो गई आपकी, अब सुनिए। अरे प्लीज, आप लोग गलत दिशा में आगे बढ़िए, छोड़िए, चुनाव में सही लगती है सारी बात। वो काम करेगी, आपके कहने से आपके चीजें सजेशंस आएंगे लेंगे, लेकिन होगा सरकार वही काम करेगी जिसमें उसका पॉलिटिकल माइलेज भी मिले। माइलेज का चुनाव है क्या, मुझे बताइए, चुनाव है अभी? अरे चुनाव नहीं है अभी, है आर्थिक आधार अभी है क्या? अभी तो बोला आपने पॉलिटिकल माइलेज, अगर चुनाव पर नहीं है तो फिर फायदा किसका हुआ? अरे फायदा किसका हुआ अगर चुनाव नहीं है तो पॉलिटिकल जो मुद्दा उस पर बात करते हैं ना, जो अभी नहीं हो रहा उस पर हम क्यों बात करें, जब आर्थिक आरक्षण की बात आएगी तो उस पर भी बात करेंगे। दीपा राणा जी, पूजा प्रियंका, सॉरी प्रियंका जी, हाँ जी पूजा, एक्चुअली टॉपिक यही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप विकास के बारे में बात कर रहे हैं, आप सबको समान तरीके से देखना चाहते हैं, तो फिर समानता इसमें कहाँ से दिख रही है आपको कि सिर्फ कुछ ही जातियों को पकड़ करके आप उसी में कोटे में कोटा मिल जाएंगे ना? आरक्षण भाई, इनको आरक्षण पहले से है, जिन जातियों को आरक्षण है। देखिए ओबीसी कैटेगरी में जो परसेंटेज, एक सेकंड शिवम जी, और एससी, सर एक सेकंड, एक सेकंड, जो एससी एससी को जो कास्ट को मिला हुआ है वो अपना एक का फिक्स परसेंटेज है, एक सेकंड ना, उसी में से ही ये उसको और पर्टिकुलरली डिवाइड कर रहे हैं कि भाई इस कास्ट के लिए इतना जाएगा, इस कास्ट के लिए इतना जाएगा, इस कास्ट के लिए इतना चला जाएगा। अब शिवम जी प्लीज, आप थोड़ी देर सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए, पैनलिस्ट अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो आपको भी सुनना चाहिए, और आप जो बार बार कह रहे हैं कि जुमले और ये सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको साथ ही पैनलिस्ट को भी बुलाया गया है यहाँ पे अपने विचार रखने के लिए। अब अभी भी आप इसी तरह से बिहेव कर रहे हैं, प्लीज शांत रहिए। तो सिर्फ इतना कहना है कि अगर सरकार कुछ करना ही चाहती है तो वो सब वर्ग के लिए करे, सिर्फ
कुछ ही वर्ग को पकड़ के वो बार बार नेतागिरी, वही राजनीति, वो सब नहीं चलना चाहिए। और इतने सालों से 70 साल हो चुके आजादी, 70 से ज्यादा हो चुके आजादी के लिए, और उसके बाद भी आप एससी एसटी उसी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आप सभी लोगों को एक कैटेगरी में कीजिए और सभी को समान आरक्षण दीजिए। आप सिर्फ इकोनॉमिकल कंडीशंस देख करके दीजिए ना, आर्थिक जो रूप से अगर जो पिछड़ा वर्ग है उनको आप आरक्षण दीजिए। क्यों आप सिर्फ एसटी एससी को पकड़ के रखते हैं? सिर्फ इतना से चीजें हैं जिसको आप बिल्कुल अगेंस्ट में ले जा रहे हैं, उसको अगेंस्ट में ना ले जाकर उसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए, सरकार को विचार दीजिए। मैं शिवम जी से एक चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या ये कोटे में कोटा आर्थिक आधार पे होगा? अब मैं जवाब दे देता हूं, मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा। मेरी बहन प्रियंका ने कहा कि आप एससी एसटी पर राजनीति कर रहे हैं। अगर आप इतिहास को इस देश के पढ़ेंगी, बेहतर तरह से देखेंगी और समझेंगी। जवाब बोल रही थी तो मैं चुप था ना, आपको सुनना पड़ा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, 2014 में कंडीशन और थी, 2011 में कंडीशन और थी, 2010 में कंडीशन और थी, 2009 में कंडीशन और थी, 8 में कंडीशन और थी। यही परेशानी है आपकी, इस देश में कंडीशन अभी नहीं, 1950 और 2019 की कंडीशन अलग हो सकती है, लेकिन कंडीशन नहीं रही है जो पिछले पहले जमाने में थी। तो जमाना 2014 में कोई और था, अब कोई और था, जमाना कोई और था, जमाना कोई और था। प्रियंका जी, प्रियंका जी, परेशानी क्या है? क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि आज सामाजिक स्थिति परिवर्तित हो चुकी है? क्या आज दलितों को अपने घरों में लोग उठाने को राजी हो जाते हैं? आप उनकी बात छोड़ दीजिए जो बिल्कुल वेल सेटल्ड हो गए हैं, जो क्रीमी लेयर में आ गए, उनकी बात नहीं हो रही। हम आप अपने गांव में जाइए, हम लोग अपने गांव में जाते हैं, तो क्या आज वो कल्चर खत्म हो चुका है? ये सेल्फ इनिशिएटिव हमें लेना पड़ता है समटाइम। देखिए ठीक है, आज परिवर्तित हुआ है, आप परिवर्तित हुआ है माहौल, ठीक है। शिवम भाई को ये नहीं पता, मैं खुद ओबीसी में से आती हूँ, तो मैं दलित की बात की, ओबीसी का कहा है, मुझे पता है ओबीसी भी है, ओबीसी भी है उसमें आपके आरक्षण। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, समझिए, मैं आपको जब आप सुनेंगे नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, अब अगर सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए इस देश में एससी एसटी ओबीसी जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि उनको जब इस चीज की एक जरूरत है, और ओबीसी और एससी एसटी जहां तक उनकी बात है, उनको अभी आरक्षण में आरक्षण सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां पर परेशानियां ज्यादा हैं, वहां आज भी वो बस्तियां हैं, वहां आज भी जो लोग हैं जो 3 पीढ़ी से आज तक उनको एक नौकरी नहीं है। जहां तक आपने बात नहीं, ये कैसे सुनिश्चित होगा? आपको दिया 10 रुपए हमारी जेब से निकाल के हम ही को दे दिया। कैसे, जरा समझा कैसे? एक सेकंड, वो 100% तो हमारा ही था ना, जिसमें से बांट दिया। आपकी बकेट में क्या था? आपकी बकेट में आरक्षण की, जनरल्स की बकेट में क्या था? मुझे इतना अरे सर, हम ही जनरल्स की बकेट को दे दिया। जनरल की बकेट में क्या था? अरे हमारे पास आपके पास 50% में से 10% निकाल के दे दिया। जनरल के पास क्या? जनरल के पास क्या? हमारे शांति से जवाब दीजिए सर। अरे जनरल के पास क्या था? अरे हमारे पास 50% था। अच्छा, जनरल को 50% उसमें फिर चिल्ला रहे, जनरल को 50% आ गया। ये झूठ बोलना बंद कीजिए। जनरल को इस देश में 0% मिलता था, अब 10% मिलता है। एके मिश्रा जी के कहने का मतलब आप नहीं समझे। एके मिश्रा ये कह रहे हैं कि 50% हमारा ही था, तो 100%, लेकिन एके मिश्रा जी, लेकिन इसमें ये भी ना, 100% भी तो हमारा सबका सामाजिक तौर पर था ना, उसी में 100 में पहले 50 बांट दिया गया। ठीक है, एक सेकंड शिवम जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ की जिस अंत्योदय की आप बात कर रहे हैं, एक सेकंड शिवम जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ की आज भी रिजर्वेशन है, कल भी रिजर्वेशन,
कनेक्शन होगा। आपने खुद कहा, एक सेकंड लेके मिश्रा जी, आपने खुद कहा कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनका फायदा नहीं पहुंच रहा था, राइट। मैं दरअसल आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी या ऐसा कौन सा मैकेनिज्म अब इस रिजर्वेशन के जरिए होगा कि भाई जो डिजर्विंग लोग हैं वो तो पहले भी अवेयर नहीं थे ना, उन तक पहले भी ये लाभ नहीं पहुंच रहा था, अब वो लाभ कैसे पहुंचेगा? मैं शुरू से लेकर आखिर तक ये सुनिश्चित कैसे करेंगे ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ आपसे। एक चीज बताइए, जब इस डेटा पे समाज कल्याण विभाग ने एनालिसिस किया है तो एनालिसिस में ये भी किया होगा कि ओबीसी में अगर 12 कास्ट हैं या 13 कास्ट हैं तो उसमें सबसे वीकर कास्ट कौन सा है, उस वीकर कास्ट को देखने के बाद और उसको स्पेन पॉइंट करने के बाद ही ये जो प्रोरेटा है ये लागू हुआ होगा उस पर। जाहिर बात है जब समाज कल्याण उस पर पिछले एक साल से काम कर रहा है तो उन्होंने उन जातियों को भी जरूर चिन्हित किया होगा जिनको ये फैसिलिटी सबसे कम मिली है, उसी के हिसाब से उन पर जो लागू होगा, जो स्लैब लागू होगा वो सबसे ज्यादा। देखिए इसमें उनका परसेंटेज बढ़ गया। फॉर एन एग्जांपल, और एक और चीज, फॉर एन एग्जांपल सर सुनिए, कैसे हुआ है जरा ये पूछिए, कैसे सर्वे हुआ है? जाहिर बात है समाज कल्याण विभाग आपको बताएगा सर्वे कैसे हुआ है। अरे सर आपके पास कोई डेटा है क्या? आपके पास कोई डेटा है? अरे आपके पास कोई डेटा है क्या? आपके पास कोई डेटा है क्या? मैं मानता हूं आपके पास कोई डेटा है ही है, यही परेशानी है। डेटा आपके पास है नहीं और आपने सिर्फ बोला है। देखिए मिश्रा जी, अभी दो मिनट पहले आप ही कह रहे थे कि ये बेहतर होगा, बेहतर ठीक है, मैं आपके इस चीज में नहीं जाना चाहता। मैं आपसे सिर्फ बताइए बेरोजगारी का डाटा क्या है, बताइए आपके पास है, आपके पास है तो बताइए बेरोजगारी का डाटा क्या है। आप बेहतर ही होगा, पानी पी लीजिए। मैं आपको भी नहीं, देखिए मुझे डेटा आपको देने की जरूरत नहीं है, मैंने इस देश में तो क्या करेंगे, इस सरकार ने 2019 में दिया, सरकार ने उसके हमें मैंडेट दे दिया, हमें मैंडेट दे दिया, मुझे आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम जनता में जाएंगे, जब हम बेरोजगारी, जब हम जनता में जाएंगे फिर से देंगे, फिर से देंगे, अरे फिर से देंगे, फिर से देंगे। ये डाटा नहीं है, इकॉनमी इकॉनमी देखिए 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी होने वाली है। अरे चौथे से सातवीं पे आ गई। मैं क्या कहता हूँ, 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी होने वाली है। आपने शायद देखा नहीं, एक मुद्दे पर रहे ना भाई, मुद्दे पर रहे। आज का मुद्दा रिजर्वेशन, रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं ना, रिजर्वेशन की बात करते हैं। क्यों आप बेरोजगारी इधर उधर भटके जा रहे हैं, जो आज का मुद्दा उसकी बात करते हैं ना भाई, आपने सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। एक सेकंड शिवम जी प्लीज प्लीज, आप लोग आपस में ना भिड़े ना, हम यहाँ पर जनता के मुद्दों के लिए बैठे, क्या आपने अपने बातें लेकर बैठ गए? इसको छोड़िए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। संजय वर्मा जी कुछ कहना चाहते हो सर? मैं संजय वर्मा जी क्या पूछ रहे थे आप शिवम जी से, ये कहना चाह रहा हूँ की सब कास्ट में भी इकोनॉमिकली क्या कहते हैं, जो वेल टू डू है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। जैसे एससी एसटी में रिजर्वेशन में भी क्रिमिलियर बनाएंगे आप, तब तो बात है, जैसे बैकवर्ड में बनाया हुआ है, आप इकोनॉमिकल बेसिस पे दीजिए वो देना, आपने रिजर्वेशन देना है। नहीं, अगर इकोनॉमिक बेसिस पर जाएंगे तो फिर तो सामाजिक स्तर पर जो हमारा रिजर्वेशन तक तो चला रहा है वो खत्म ही हो जाएगा ना। सामाजिक स्तर पे इतने सालों से चल रहा है, और अगर किसी को जरूरत होगी तो उसको ये सरकार जरूर देगी। मैं कहता हूँ आपके जो जो भी इनपुट्स हैं वेलकमिंग है, ठीक है, इनपुट्स हैं। आप अभी कभी कहते हैं वेलकम है, कभी कहते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं। मैंने है 10 बार वेलकमिंग बोला, आपने शायद सुना नहीं। आप कह रहे हैं कि आपके पास मैंडेट आ गया। अरे मैंडेट किसने दिया? हम ही लोगों ने दिया ना। तो फिर हम लोग जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम लोग चुप नहीं बैठे हैं सर। अगर हम लोग ऑब्जेक्शन ना करते, अगर हम दूसरी सरकारों की गलतियां ना पकड़ते और आपको वोट ना देते तो आप पावर में नहीं आते। आप पावर में आए हैं वो हमारी वजह से आए हैं, विश्वास दिया है। आप जनता हो ही नहीं, आप जनता की ठेकेदारी नहीं कर सकते। परेशानी क्या है, जनता हो सकते हैं, जनता के ठेकेदार नहीं हो सकते, तो ठेकेदार बनना है, आप बन कीजिए। आप जनता से जनता नहीं है, आपका स्वागत है। आपने पहले सुझाव पर कहा, मैंने कह दिया कि ठीक है आपके जो सुझाव है वेलकमिंग,
सवाल पूछे वो ठेकेदार हो गया। अरे कौन सा सवाल? आपने खुद ही तारीफ की। देखिए आप भाई अच्छी चीजों के लिए मैं सारी सरकार की तारीफ करता हूं। इस देश की सरकार, मैं सारे अच्छे कामों की तारीफ करता हूं। जितने सवाल आपको पूछने हैं पूछिए, लेकिन अगर आप किसी तबके के, किसी समाज के, किसी जनता के ठेकेदार बनना चाहते हैं तो माफ कीजिए, ठेकेदार कौन होता है सर जो आपसे आपके मन की बात न करे वो ठेकेदार होता है? एके मिश्रा जी, ठीक है बहुत देर हम इधर उधर भटक लिए, बहुत हो गया, चलिए अब थोड़ा सा शांत हो जाइए। हाँ दीपा, माफ कीजिएगा, बताइए। देखिए से मेरा एक क्वेश्चन है, मैं बहुत ही पॉजिटिव तरीके से पूछ रही हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि ठीक है सरकार बहुत अच्छा, मैंने पहले अप्रिशिएट भी किया कि भाई ठीक है आपने आरक्षण दे रहे हैं, कोटे के अंदर कोटा वीकर सेक्शन को पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या सरकार के आपके हिसाब से ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है? पॉलिटिकल माइलेज और जाति को जाति में भी जाति बांटकर कहीं ना कहीं ये अपने लिए वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, आप ये कहना चाहती है दीपा राणा? ये पूछना चाह, माफ कीजिएगा प्रियंका राणा, बार बार सो सॉरी, बार बार मिस्टेक हो रही है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या आम लोगों के लिए भी यही क्राइटेरिया सरकार फॉलो करेगी? क्या इसके लिए भी आगे कुछ सरकार करेगी जो वीकर सेक्शन है और जातियों में, क्या उनके लिए भी, क्योंकि ये अंतिम पंक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, उस आदमी तक पहुंचना चाहते हैं जो सही मायने में इसका हकदार है, तो क्या बाकी जातियों के लिए सरकार कुछ सोच रही है कि सिर्फ वही एससी एसटी और ओबीसी के चक्कर में ही पड़ा काम होता रहेगा, वोट बैंक की राजनीति चलती रहेगी, या सरकार इस पर कुछ नया लेकर आएगी? ठीक है अब जवाब ले लीजिएगा, 10 सेकंड अनइंटरप्टेड चाहिए। जब भी आप बोलते हैं तो मेरा ख्याल डेटा को करेक्ट कर कर बोलना चाहिए। आप मेरी बहन हैं और आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, यही इस देश में लौटी सरकार है जिसने 70 साल में पहली, अब सुनने दो ना, अब देखिए फिर वही परेशानी, अब आप सुन लीजिए ना, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन रख चुकी है, अब अगर जवाब नहीं लेंगे तो 70 साल में ये एक इकलौती सरकार है जिसने जनरल को कोटा दिया और कोटा देने के, अब आप यही परेशानी है, अब आपने सवाल शांति से रखा, जब जवाब सुनने की बात आई तो आप सुनने को तैयार नहीं, सुनना पड़ेगा, ये सरकार आपकी परेशानी है, आपने अभी जवाब सवाल किया ना तो आप सवाल जवाब सुनना पड़ेगा, तो अपने आप ऐसे क्या जवाब सुनना पड़ेगा, जवाब सुनना पड़ेगा, आपने राम राज्य साबित कर दिया, बिल्कुल क्या, क्या, बिल्कुल बिल्कुल राम राज्य है, बिल्कुल राम राज्य है, आज 370 हटी, आज 370 हटी, आज 3 तलाक हटा, आज रिजर्वेशन की बात हो रही है, आज जनरल रिजर्वेशन की बात हो रही है, आज शौचालय है, आज आवास योजना है, आज फसल बीमा है, अगर अगर होते तो 60 करोड़ हमारे भावी बनाने पड़ते क्या? सरकार किसी पर एहसान नहीं करी, किसी की भी सरकार जनता जनता चुनती, इसीलिए जनता, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, भाई आप मुद्दे पर आते हैं ना, हाँ तो ठीक है ना शिवम जी, इसमें आपकी सर ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकार ने किया है ना, देखिए आजादी से लेकर आज तक अगर हम देखिए ठीक है, एक सेकंड शिवम जी, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को मानते हैं कि पिछली सरकारों में विकास कार्य हुए, ठीक है, किसने मना है ना, वही चीज हम उस पे नहीं जाते, उस पे नहीं जाते, उस पे नहीं जाते, देखिए आपने अंत्योदय योजना की शुरुआत की, सुनिए आपने देश के, आपने देश के उन मुद्दों को सुलझाया जो आज तक नहीं सुलझ पाए, उसके लिए आपकी तारीफ हो रही है, आपको 4 तरफा एप्रिसिएशन मिल रहा है, अच्छी बात, ठीक है, आप धारा 370 हटाते हैं, ट्रिपल तलाक लेकर आते हैं, आपको 4 तरफा वाहवाही मिल रही है, सब आपकी आपके इस काम की सराहना कर रहे हैं, बात ये नहीं है, बात ये है कि अभी भाई आपने चलिए कैटेगराइज करने की आपने ये कोशिश करनी शुरू कर दी, आपकी ऑलरेडी अंत्योदय योजना भी चले, इसके तहत आप चाहते हैं कि लास्ट जो बिल्कुल रो में खड़ा हुआ आदमी है उस तक भी आपका लाभ पहुंचे, अभी क्योंकि आप और सब कैटेगराइज कर रहे हैं कास्ट को, इसीलिए सब आपसे ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना चाहते हैं, क्या आप दूसरे दलों के, क्या आप दूसरे दलों के जो वोट बैंक है वो चाहे, देखिए चाहे आप जाटों की बात करें, आप यादवों की बात करें, या फिर आप शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, देखिए आप सभी जानते हैं शेड्यूल कास्ट किसका वोट बैंक है, यादव वोट बैंक किसका है, मुस्लिम वोट बैंक सब जानते हैं, हमारे देश में ये जातिवाद की राजनीति, धर्म के, एक सेकंड ना, ये राजनीति चलती रही कि नहीं, इसको तो नहीं नकार सकते ना, इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है, जवाब दे दीजिए, देखिए विश्लेषण का अपना महत्व है, आप इसे वोट बैंक के लिए मानिए, कुछ भी मानिए, अगर मेरी सरकार को ये वोट बैंक के लिए करना होता तो ये चुनाव के पास किया जाता, अगर मेरी वो सरकार वोट बैंक के लिए 370 हटाती तो 19 से पहले हटाती, अगर 3 तलाक हटाती तो 19 से पहले हटाती, और अगर जहां तक बात है आरक्षण में, आरक्षण की, अगर मुझे ये भी करना होता तो मैं सरकार में 1 साल पहले करता, ये ना ही तो राजनीतिक कोई रोटियां सेकने के लिए है, ना ही राजनीति कोई गोलबंदी है, बिल्कुल इस देश की, प्रदेश की 22 करोड़ जनता के लिए है,
उसमें जो भी वीकर है, जिस भी जाति में जिसको परेशानी है, समाज कल्याण विभाग ने उसी के हिसाब से डेटा प्रिपेयर किया है और आगे बढ़े शामिल होने के लिए। देखिए पहल की जा रही है, अब किसको लाभ किसका फायदा ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन हाँ जनता को हमेशा एक नई पहल से उम्मीद रहती है और एक बार फिर से वैसे ही उम्मीद है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे खबरों का सिलसिला जारी, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।